हेलो दोस्तों, अगर आपने भी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाया है और आपका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, समस्या ये है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, साथ ही साथ आपका फिंगर भी वर्क नहीं करता है, तो कैसे आप बिना आधार ओटीपी के और बिना फिंगरप्रिंट के अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में आ जाना है। यहाँ पे आपको बहुत सारा वेबसाइट में ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आयुष्मान सर्विसेज का, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप आयुष्मान सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको एक प्रिंट का ऑप्शन दिखता है, सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, आपके सामने पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सिलेक्ट प्रूफ में तीन ऑप्शन दिए गए हैं, पीएमजेएवाई आईडी, फैमिली आईडी और आधार नंबर। आपके पास आधार नंबर होगा ही, सिंपली आप आधार नंबर को ही सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ इंटर पैरामीटर में क्या करना है, आपको अपना आधार नंबर फिलअप करना है। तो मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको जानकारी अधूरी रह जाती है, आपको बार बार फालतू के कमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखेंगे। हमने यहाँ पे आधार नंबर फिलअप कर दिया, इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं और थोड़ा सा नीचे करते हैं, तो आपके आधार नंबर पे भी जितने आपके फैमिली में जिनका भी आयुष्मान बना होगा वो यहाँ पे लिस्ट में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका जो पीएमजेवाई आईडी होता है सो, और यहाँ पे प्रिंट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली आप प्रिंट कार्ड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रिंट कार्ड पे क्लिक करते हैं, ये नए टैब में ओपन हो जाता है। यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल आपको देखने को मिल जाता है, जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा लोडिंग ले रहा है। ये चीज आप देखेंगे, आप जो है इजिली आप डाउनलोड कर सकेंगे। मान लीजिए आपके फैमिली में 10 लोगों का है तो 10 लोगों का लिस्ट आ जाएगा, 5 लोगों का है तो 5 लोगों का लिस्ट आ जाएगा। देखिए हमारा यहाँ पे नाम आ चुका है और कार्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिखाया, इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं, अगर आपके पास प्रिंटर है इजिली प्रिंट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास प्रिंटर नहीं है तो सिंपली सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन आता है, सेव एज पीडीएफ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, आप इसको इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों, एक आयुष्मान कार्ड डाउनलोड जैसे किया हमने, एक फैमिली आईडी या एक आधार नंबर, जैसे हमने आयुष्मान कार्ड डाउनलोड किया, यहाँ पे जो है आपका कोई चार्ज नहीं कटने वाला है। बट आपके वॉलेट में कुछ ना कुछ 10-20 जो भी अमाउंट है ये होना चाहिए, लेकिन आपके वॉलेट से 1 रुपए भी चार्ज नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे हमने जो आयुष्मान कार्ड डाउनलोड किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड किया है। तो इस तरह से जो है आप अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करेंगे। दोस्तों अगर आपको इस वेबसाइट का लिंक चाहिए तो आपको किस प्रकार से मिलेगा, चलिए ये भी हम जानकारी आपको दे देते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। जैसे कि आपको हमारा स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप कांटेक्ट करेंगे। आईडी का यहाँ पे कुछ चार्जेज है, क्या चार्जेज होने वाले हैं वो सारा आपको उस व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। चलिए आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।